कभी टीवी पर पिता का रोल तो कभी दादा का रोल करने वाले दिग्गज एक्टर यूसुफ हुसैन तो आपको भी जरूर याद होंगे। आज ये सितारा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चला है। आज सुबह ही मशहूर एक्टर यूसुफ हुसैन के निधन की खबर आई। जैसे ही ये खबर सामने आई, ठीक वैसे ही इंडस्ट्री में मातम पसर गया। जाने माने दिग्गज एक्टर यूसुफ ने आज अपनी आखिरी सांस ली। यूसुफ 73 साल के थे। बताया जा रहा है कि वो कोविड-19 से पीड़ित थे। यूसुफ के दामाद और इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक हंसल मेहता ने इस दुखद खबर को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया। जानकारी के मुताबिक यूसुफ का इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने 30 अक्टूबर की सुबह अंतिम सांस ली। वो काफी समय से कोरोना से जंग लड़ रहे थे, लेकिन अंत में वो इस जंग को हार गए और उनका इंतकाल हो गया। हंसल मेहता ने अपने ससुर के निधन की इस दुखद खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। ट्विटर पर यूसुफ की एक तस्वीर के साथ पोस्ट उन्होंने शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने शाहिद के 2 शेड्यूल पूरे किए थे और हम फंस गए थे। एक फिल्म के निर्माता के रूप में मेरा करियर लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। ऐसे में यूसुफ साहब मेरे पास आए, उन्होंने अपने जमा किए पैसे मुझे दे दिए और बोले कि ये मेरे किसी काम के नहीं हैं, अगर तुम मुश्किल में हो तो। उन्होंने एक चेक बनाया और मेरी फिल्म शाहिद बन गई। ऐसे थे यूसुफ हुसैन, वह मेरे ससुर नहीं बल्कि पिता थे। अपनी पोस्ट में हंसल ने आगे लिखा, अगर जीवन की कोई शारीरिक पहचान थी तो वो ही थे यूसुफ। आज वह चले गए ताकि वह सारी महिलाएं जो स्वर्ग में हैं उन्हें बता सकें कि वह कितनी खूबसूरत हैं, और पुरुषों को बता सकें कि वह कितने जवान हैं। आपको ढेर सारा प्यार, मैं इस नए जीवन का कर्जदार हूँ। आज मैं अनाथ हो गया, अब जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मैं आपको बहुत याद करूँगा, मेरी उर्दू खराब रहेगी, और हाँ, लव यू लव यू लव यू। बता दें कि यूसुफ हुसैन की बेटी सफीना की शादी हंसल मेहता से हुई है। हंसल ने जैसे ही यह पोस्ट शेयर किया, तभी इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी यूसुफ को श्रद्धांजलि दी। आयुष्मान खुराना, एक्ट्रेस पूजा भट्ट, एक्टर मनोज वाजपेयी, अभिषेक बच्चन, दिया मिर्जा, रीमा कागती, निखिल आडवाणी और कुब्रा सैफ सहित कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपना दुख जताया है। आपको बता दें कि यूसुफ हुसैन ने विवाह, धूम 2, खोया खोया चांद, क्रेजी कक्कड़ फैमिली, रेड स्वास्तिक, एस्केप फ्रॉम तालिबान, कुछ ना कहो और रोड टू संगम जैसी फिल्मों में काम किया था। वे कई हिट टेलीविजन शोज जैसे CID, कुमकुम, हर घर कुछ कहता है जैसे सीरियल में भी हिस्सा रहे। टीवी शो में उन्हें अधिकतर पिता के रोल में देखा गया। वहीं आखिरी बार वो वेब सीरीज होस्टेज में डॉक्टर अली के किरदार में नजर आए थे। निजी जिंदगी की बात करें तो यूसुफ हुसैन ने 3 शादियां की थी। खुद उन्होंने साल 2012 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने 3 शादियां की लेकिन अभी भी एक समझदार पार्टनर ढूंढ रहा हूं। मेरी उम्र 60 से ज्यादा है, शायद ये तलाश कभी पूरी नहीं होगी। वो जिंदगी के इस पड़ाव में भी एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में थे।